हेलो एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, अगर हिंदी में कहूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहली बार जानकारी किसने दी थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानने की कोशिश करेंगे जितनी भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर। अब देखिए, सबसे पहली बात अगर यहाँ पर बात करें टाइम पीरियड की, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका मोस्ट एक्सेप्टेड जो टाइम पीरियड है वो है 2500 BCE से लेकर 1750 BCE तक। और अगर इसका सबसे पुराने नाम की बात करें तो इसका सबसे पुराना नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हिंदी में कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इन दोनों नामों के अलावा इसका एक नाम और एग्जिस्ट करता है, जब आप पढ़ेंगे या गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और वो नाम है सरस्वती सिविलाइजेशन। क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके 80% से ज्यादा लोगों का जो सेटलमेंट था, जो रहा करते थे, वो सिंधु घाटी या फिर सरस्वती नदी के किनारे रहा करते थे, इसलिए इसे सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया की, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका एरिया कितना था, तो इसका एरिया था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई थी। अब अगर यहीं पर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतिम बिंदुओं की, तो सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट था वो था मांडा, जो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो मिलेगा आपको महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम है दायमाबाद। और यहीं पर अगर बात करें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है आलमगीरपुर। अगर यहीं पर बात करें वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वो मिलेगा आपको पाकिस्तान के अंदर, जिसका नाम है सुतकांगेडोर। तो ये थे इसके अंतिम बिंदु, ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें कैपिटल सिटीज के बारे में, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसकी दो कैपिटल्स थी। पहली थी हड़प्पा, और जिसको डिस्कवर किया था इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने, कब की थी, 1921 में। और जो दूसरी कैपिटल सिटी थी उसका नाम था मोहनजोदड़ो, या फिर आप कह सकते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसको भी डिस्कवर किया था एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था राखलदास बनर्जी, और कब की थी, 1922 में। अब देखिए, टाइम आता है 1924 का। उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे उनका नाम था जॉन मार्शल, तो उन्होंने ऑफिशियल तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के ऑर्डर दिए, मतलब कि एक्सकेवेशन के ऑर्डर दिए। तो 1924 से ऑफिशियल तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जांच पड़ताल, खोदना उनके बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब स्टार्ट हो चुका था। अब आप कहोगे ये सब तो ठीक है, आप तो मेन क्वेश्चन बताइए कि सबसे पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसने बताया था। तो देखिए, उस पर्सन का नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन एक न्यूमिस्मैटिस्ट था। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, तो देखिए, न्यूमिस्मैटिस्ट उसे कहा जाता है जो डिफरेंट कॉइंस के बारे में स्टडी करता है, उनको कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो उसे कह दिया जाता है न्यूमिस्मैटिस्ट। तो चार्ल्स पर्सन ने 1826 में अपनी बुक में ये पहली बार मेंशन किया था, किसके बारे में, रुइंस ऑफ हड़प्पा के बारे में। रुइंस ऑफ हड़प्पा मतलब जो हड़प्पा के जो खंडहर थे उनके बारे में। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस जगह पर इतनी विशाल सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। उसे केवल वहां पर हड़प्पा के खंडर मिले थे, रुइंस ऑफ हड़प्पा के बारे में थोड़ा बहुत उसने मेंशन किया था अपनी बुक में, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको यहाँ पर सिंपल इतना बताना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किसके लिए जानी जाती है, किस चीज के लिए फेमस थी, ठीक है। आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, आई वुड लाइक टू रीड योर आंसर्स।